भैया इसमें जो है 7-8 घंटे लगेंगे। भटकते मुसाफिर की तरह चलते हुए एक अज्ञात सफर पे आई स्टम्बल्ड अपॉन द सिटी ऑफ रुड़की। शायद ही पता था मुझे कि इस छोटे से शहर की सादगी वुड टच माई हार्ट सो डीपली। गंगा जमुनी तहजीब के धार्मिक सद्भाव की रिवायत को संजोए ये शहर also held a treasure trove of rich heritage and interesting history. Rurki, previously said as Rurki, according to popular beliefs, derived its name from the name of the wife of a Rajput tribal chief called Ruri. Rurki ka pehla varnan Abul Fazl ki kitab Aine Akbari mein milta hai, where it served as Pargana, looking after administrative affairs at the time of King Akbar. Later it became a part of British East India Company. British Shasan Kal ke dauran 1840 mein Ganga Canal project ki shuruaat hui, which is North India's first irrigation work. This canal provides water to over 5,000 villages and is a backbone for water irrigation and farming. Bharat ka pehla Kritim Jal Setu भी रुड़की में स्थित सुलानी नदी के ऊपर बना है, which was an engineering marvel in itself at that time. गंगा कैनाल प्रोजेक्ट के दौरान इंजीनियरिंग प्रॉबी कॉटली ने सुलानी एक्वेडक्ट रेलवे की स्थापना की टू ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर गंगा कैनाल। इस रेलवे लाइन का नियंत्रण बंगाल सैपर, अ मिलिट्री इंजीनियरिंग रेजिमेंट द्वारा किया गया। A steam engine, Jenny Lind, was specially shipped from England, which pulled a freight train on 22nd December 1851 from Rurki to Piran Kalyar. This was 2 years before the first passenger train was started between Bombay and Thane. इस रेलवे इंजन की एक रेप्लिका रुड़की रेलवे स्टेशन के बाहर स्थापित है। शायद ही ज्यादा लोगों को इस बारे में पता होगा। रुड़की के बाहरी हिस्से पे स्थित बिरहन कलियार गांव का सांस्कृतिक इतिहास अपने आप में रोचक और अज्ञात है। बिरहन कलियार विलेज इज होम टू द दरगाह ऑफ द 13th सेंचुरी सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर अलाउद्दीन अली अहमद सबीर कलियार, जिन्हें सरकार सबीर पाक के नाम से भी जाना जाता है। इस दरगाह का निर्माण अफगानी शासक इब्राहिम लोडी द्वारा करवाया गया था। बड़े ताज्जुब की बात है कि रुड़की जैसा एक छोटा शहर वॉज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया टू हैव अ टेलीग्राफिक ऑफिस एंड वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री टू हैव अ पोस्ट ऑफिस। दिस टेल्स अस अबाउट द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिटी। दिस सिटी ऑल्सो हैज अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस विद अ प्रोमिनेंट आर्मी बेस होम टू द बंगाल सैपर एंड माइनर। रुड़की का जहां भी जिक्र होता है, सबसे पहला ख्याल जो जहन में आता है वो है यहाँ स्थित वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टीजियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, IIT रुड़की। एस्टैब्लिश्ड एस थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन 1847, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस सर जेम्स थॉमसन, हु एस्टैब्लिश्ड दिस इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना गंगा कैनाल प्रोजेक्ट के लिए स्किल्ड इंजीनियर्स को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। द कॉन्वोकेशन हॉल हेयर सर्व्ड एज अ हैंगर फॉर प्लेन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। आई बेट एनी ऑफ यू न्यू अबाउट द फैक्ट दैट द इंस्टीट्यूट अलाउड इट्स स्टूडेंट्स टू कीप बटलर्स अंटिल 1990s। 2022 में इस संस्थान ने 175 वर्ष पूरे किए, जिसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने IIT रुड़की के सम्मान में 175 रुपये का प्रतीकात्मक सिक्का जारी किया तथा संस्थान की सबसे प्रसिद्ध इमारत जेम्स थॉमसन बिल्डिंग के चित्र के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया। रुड़की इज बाय नो मीन्स दिल्ली, बॉम्बे, बनारस और कैलकाटा। इट इज नॉट अ सिटी ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, ब्राइट डिस्को लाइट्स और कॉरपोरेट वर्कर्स विथ वीकेंड प्लान्स।
इस शहर में एक खूबसूरत सादगी है, एक सुहाना ठहराव, अपने अंतर्मन में झांकने को प्रेरित करने का एक हुनर है। यहाँ की धूप चुभती नहीं, यहाँ की छाव शरीर को ठिठुरती नहीं, एक अलग एहसास है रुड़की। शायद मुझ जैसे एक कॉरपोरेट वर्कर को एक ऐसी ही अनुभूति की जरूरत थी। शायद इस शहर से मुलाकात ही मेरी किस्मत की मंजूरी थी।